साथियों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट्सएप में न्यू अपडेट आया है उसके बारे में। गाइस, थोड़ी सी वॉइस मोटी हो सकती है तो इसके लिए सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। और मैं आपको चलिए दिखाता हूं कि कौन सा अपडेट आया है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा विदाउट अपडेट किया हुआ व्हाट्सएप, फिर आपको दिखाऊंगा अपडेट किया हुआ व्हाट्सएप, फिर आपको जैसा अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप व्हाट्सएप को अपडेट करना, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, इसमें कोई प्राइवेसी पॉलिसी का झंझट नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और आपको दिखाता हूँ कि अपडेट आया हुआ है व्हाट्सएप का प्ले स्टोर में, और आपको ऐप स्टोर में भी मिल जाएगा अगर आपके पास ऐप स्टोर होगा तो। मैंने अभी अपडेट नहीं किया है, मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट करके किस तरीके का है। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अपन चलते हैं प्ले स्टोर में और इसे अपडेट कर लेते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पे अपडेट कर लिया है, आप लोग देख रहे हो, तो ये अपडेट हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं व्हाट्सएप में। तो जैसे कि मैं व्हाट्सएप में आ गया हूँ तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा आर्चीव चैट का, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आ रहा है। पहले सबसे नीचे में आया करता था और इस बार जो आया है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ जो यहाँ पे चैट्स है, तो इन सब के नीचे में पहले एक लाइन आता था, तो अब अपडेट करने के बाद वो लाइन हट चुका है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मैसेज भेजते हैं उसका आइकन चेंज हो गया है, काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, ना ही कॉल्स में। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिंक डिवाइस का ऑप्शन आ गया, पहले यह व्हाट्सएप वेब के नाम से था। बस ये तीन चीज़ें हैं, अगर और भी कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।